भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस का महल आज भी कृष्णकालीन युग की यादों को संजोए हुए हैं। यमुना किनारे उत्तरी दिशा में बना कंस किले में अब कृष्ण लीलाएं जीवंत होंगी। यहाँ 6 करोड़ रुपए खर्च कर लाइट एंड साउंड शो की व्यवस्था की जाएगी। श्री कृष्ण के मामा कंस के 5,500 साल पुराने किले को भी पर्यटन केंद्र की तौर पर पहचान दिलाई जाएगी। इस क्रम में आने वाले दिनों में यहां पर्यटक लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को देख सकेंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की कार्य योजना को शासन ने स्वीकृत कर लिया है। तीर्थ विकास परिषद के डिप्टी CEO JP पांडे ने बताया कि कंस किले पर लाइट एंड साउंड शो की योजना को स्वीकृति मिल गई है। कार्यदायी संस्था मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के माध्यम से इसका क्रियान्वयन भी किया जाएगा।